नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम रेलवे NTPC ग्रुप DSSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करिए ताकि डेली की डेली आप वीडियो को प्राप्त कर सकें और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो देखिए पेट्रोल का मुख्य संघटक होता है क्या, ऑक्टेन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑक्टेन होता है पेट्रोल का मुख्य संघटक। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, CH4 मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? तो देखिए कौन सी गैस है, मीथेन गैस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, गैसोहोल एक मिश्रण है, गैसोहोल एक मिश्रण है किसका है, गैसोलिन और एथेनॉल का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गैसोलिन और एथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहोल। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा टेट्रा एथिलेट। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलिन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए किस देश ने किया है, ब्राजील देश ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ब्राजील देश ने गैसोलिन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए कौन जीवाश्म ईंधन है, इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप होता है? सही आंसर होगा पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता का माप होता है ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? कौन सी आती है, मीथेन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मीथेन का प्रयोग किया जाता है बायोगैस संयंत्र में ईंधन के रूप में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सिगरेट लाइट में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके उपघटन से प्राप्त होती है? तो देखिए किसके उपघटन से, इसका सही आंसर होगा मीथेन के उपघटन से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, मीथेन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, धान का खेत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, धान का खेत जो है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथाइन एक उदाहरण है, एथाइन किसका उदाहरण होता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा, तीव्र आमंद वाले यौगिक का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, तीव्र आमंद वाले यौगिक का उदाहरण होता है एथाइन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो देखिए गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास कम से कम 10 बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, CNG है, CNG क्या होता है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रित हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है? तो देखिए क्या उपस्थित होता है, CH4। क्या होता है, CH4 होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, गैसोहोल है, गैसोहोल क्या होता है, क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है प्लस पेट्रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है गैसोल एस इसमें गैसोहोल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सही आंसर होगा एल्कोहल के लिए। ठीक है, एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है सीसा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है,
कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर क्या देता है, एसिटिलीन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग के लिए किस गैस का मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण से का प्रयोग होता है गैस वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बेंजीन के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें 12 सिग्मा होते हैं और 3 बाई बंधे होते हैं, क्या होते हैं, 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंधे होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल में निमन को मिलाकर जहर बनाया जाता है। तो देखिए एथिल एल्कोहल में क्या मिलाकर जहर बनाया जाता है, मेथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मेथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाकर जहर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, ब्यूटेन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ब्यूटेन होता है एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडेन गैस या एलपीजी मिश्रण किसका है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखिए ये किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है। तो देखिए किस रूप में, इसका सही आंसर होगा तरल रूप में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो देखिए कौन सा तत्व मिलता है, कार्बन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो देखिए किसका उदाहरण है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना, तो देखिए किण्वन क्रिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, किण्वन क्रिया का उदाहरण है दूध को दही के रूप में खट्टा करना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, किससे की जाती है, देखिए इसका सही आंसर होगा सी10 संख्या में। डीजल गुणवत्ता को सी10 संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है, और ऑक्टेन संख्या की बात करें तो इसको पेट्रोल की गुणवत्ता, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता की जाती है किसमें, ऑक्टेन संख्या में, और डीजल की सी10 संख्या में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। देखिए इसका सही आंसर होगा मेथेन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखिए जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, किण्वन क्रिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया अपनाई जाती है बायोगैस संयंत्र में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो देखिए एलपीजी गैस के मुख्य अवयव हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी गैस के मुख्य अवयव होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए कौन सा, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है, तो क्योंकि यह उत्पन्न करता है, देखिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है जिससे कि कच्चे फल होते हैं वो पक जाते हैं। तो देखिए क्या कहता है, इसका सही आंसर होगा एस्टलिन, ठीक है, एस्टलिन उत्पन्न करता है जिससे हरे फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं वो आसानी से पक जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, एस्टलिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है। तो देखिए फल कौन देता है, इसका सही आंसर होगा एथिलीन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एथिलीन जो है फलों को पकने में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस एक है, ऑक्टोपस क्या होता है, मृदु कवची होता है, क्या होता है, मृदु कवची होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से किसको जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑक्टोपस, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। तो देखिए तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है, सही आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी होता है तारा मछली, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फेरिटिमा पोस्थोमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए किसका वैज्ञानिक नाम है, इसका सही आंसर होगा केंचुआ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा पोस्थोमा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं। देखिए कितनी जोड़ी होती हैं, इसका सही आंसर होगा तीन जोड़ी टांगे, कीटों में तीन जोड़ी टांगे होती हैं, ऑप्शन सी
सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निद्रा रोग फैलाती है, निद्रा रोग फैलाती है, देखिए कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग फैलाती है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एमिफिबिया बताता है, एमिफिबिया क्या बताता है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में एमिफिबिया बताता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, कौन सा एक कपी नहीं है, लंगूर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव सदृश लघुत्तम कपी है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है, गिबन, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, गिबन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो देखिए कौन सा जीव जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा चमगादड़, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, चमगादड़ एक उड़ने वाला जीव है लेकिन इसको पक्षी वर्ग में काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किया जाता है, सतनी में, ठीक है, किन में किया गया है, सतनी में डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे, तो देखिए क्या थे, सरीसृप थे जो लुप्त हो गए हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डायनासोर क्या थे, सरीसृप थे जो अभी लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, समानता जीव अपना स्थान बदल सकते हैं किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है, तो देखिए ऐसा कौन सा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता, तो कौन सा है, स्पंज, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, स्पंज एक ऐसा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है, तो देखिए कौन सी है, अश्वमीन, अश्वमीन क्या है, एक प्रकार की मछली होती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अश्वमीन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा स्टार फिश, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बाकी सभी जो है साफ फिश, पाई फिश और गिटार फिश, ये तीनों क्या है, मछलियां हैं, लेकिन स्टार फिश क्या है, एक मछली नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो इस वीडियो को लाइक करना और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।